कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। आज हम चंपा की कटिंग के बारे में बात करेंगे। चंपा को प्लोमेरिया भी कहते हैं। चंपा की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। कटिंग से हम एक पेड़ से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। नर्सरी वाले ऐसे ही कटिंग से पौधे तैयार करते हैं और उन्हें महंगे दामों पर बेच देते हैं। चंपा की कटिंग किसी पेड़ से लेकर छांव में सुखा लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी कटिंग डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाते। दोस्तों, ये कटिंग मैं लेकर आई थी, जिसको मैंने 4-5 दिन सुखा लिया है। इसको साइड से तिरछा कट कर लिया और इसको सुखा लिया है। इसके जो पत्ते हैं इनको ये निकाल देंगे, इनके पत्तों को हम निकाल देंगे। ये कटिंग को दोस्तों मैं इसके पत्ते निकाल देंगे, क्योंकि ये वैसे भी सूख के झड़ने वाले हैं। इनको रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है। इनमें देखिए ये वाइट कलर का रस निकलता है। इनको थोड़ा सावधानी से हाथ पैरों से बचाना चाहिए। अगर लग गया तो अच्छे से हाथ साफ़ कर लें, क्योंकि ये जहरीला होता है। इस तरह से पत्ते निकाल लूँगी, ये छोटे छोटे पत्ते छोड़ दूँगी। एक छोटा सा पत्ता छोड़ दिया है। अब इस कटिंग को ये देखिए तिरछा कट लगाया हुआ है, 4-5 दिन सुखा रखा है, इसलिए इस तरह से ये कटिंग दिख रही है। अब इसको मैं हल्दी पाउडर में लगाऊंगी अच्छे से। हल्दी पाउडर लगाने से दोस्तों इसमें फंगस नहीं लगती है। इसको इस तरह से थोड़ी सी देर रख दूंगी। दोस्तों फिर ये गमला लेंगे, गमले में देखिए छेद किया हुआ है, थोड़े से पत्थर डाल लेंगे ताकि इसमें पानी आराम से निकलता रहे। इसके बाद ये नॉर्मल मिट्टी है, गमले की ही मिट्टी है, जिसको ये सादा मिट्टी में हम लगाएंगे। थोड़ी सी मिट्टी इसमें भर लेंगे। उसके बाद इस कटिंग को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद इसको दबा देंगे ताकि इसमें कोई एयर पॉकेट ना रहे, और इस तरह से कम आधे से ज़्यादा गमला भर देंगे। दोस्तों इस तरह से लगाने के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर डालेंगे ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए, और इसको छांव में रख दें। चंपा की कटिंग किसी पेड़ से लेकर छांव में सुखा लेनी चाहिए, और सुखाने के बाद ही इस मिट्टी में लगाना चाहिए। तो इस कटिंग को डायरेक्ट मिट्टी में लगाने से फंगस लगने का डर रहता है। कटिंग में से सफ़ेद रंग का रस निकलता है, वह जहरीला होता है। उसे हाथ पैर में और आँख से लगने से बचाना चाहिए। कटिंग दो या तीन दिन छांव में सूखी हुई हो तभी लगाना चाहिए, और किसी फंगीसाइड को लगाकर कटिंग लगानी चाहिए, जिससे कटिंग ख़राब नहीं होगी, 100% सक्सेस हो जाएगी। अगर फंगीसाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी को लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी एंटी फंगीसाइड का काम करती है। आप हल्दी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो दालचीनी पाउडर लगाकर भी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग 100% सक्सेस हो जाती है। चंपा की कटिंग दोस्तों गमले में लगाने के बाद ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां रोशनी आती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। डायरेक्ट सनलाइट में कटिंग सक्सेस होने के कम चांस होते हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट में मॉइस्चर मिट्टी में बना रहता है, ये कटिंग आसानी से लग जाती है। चंपा की कटिंग धीरे धीरे चलती है। कटिंग कम से कम 2 से 3 फुट की लेनी चाहिए। कटिंग में 15 से 20 दिनों में जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, और 1 महीने में अच्छी ग्रोथ हो जाती है। दोस्तों देखिए, ये मैंने 15 दिन पहले लगाई थी, जो कि इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है, इसमें भी स्टार्ट हो गया है। ये 2 कटिंग लगाई थी, इसमें स्टार्ट होने वाला है। देखिए इसको शेडी एरिया में रखा हुआ था, अब इसको निकाल कर धूप में कर दिया है। अच्छे से जर्मिनेशन चल रहा है, ये इसमें अच्छे से जर्मिनेशन चल रहा है। चंपा को सादा मिट्टी में ही ग्रो करना चाहिए।
ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तब इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देना चाहिए और एक महीने बाद कटिंग में ग्रोथ अच्छी होने लगे तब इसे फुल सनलाइट में रख देना चाहिए। यह फुल सनलाइट का पौधा है। अब बात करें इसकी केयर। चंपा सर्कुलेंट फैमिली का पौधा है। इसको कम पानी की ज़रूरत रहती है। कई दिनों तक पानी नहीं देंगे तो भी ये मरेगा नहीं। गमले में लगा रहे हैं तो जब गमले की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तभी पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से या रोज़ पानी लगाने से यह पौधा ख़राब हो जाता है। इसको किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी क्ले वाली नहीं होनी चाहिए। महीने में एक बार इसकी मिट्टी में एक बार कंपोस्ट मिला देना चाहिए। इसी से यह बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। यह साल भर चलने वाला प्लांट है। गर्मियों में इस पर फ्लावरिंग खूब होती है। तो दोस्तों आपको चंपा के बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।